ये लीजिए, कान्हा जी के लिए पंजीरी तैयार हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम टू नेहराज किचन। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों से पंजीरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कृष्ण जी के जन्मदिन पे प्रसाद के रूप में खास तौर पे बनाई जाती है। तो चलिए बनाते हैं। आज मैं आपसे पंजीरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो जन्माष्टमी पे स्पेशली प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने पैन गरम रख दिया है गैस के ऊपर, और एक चम्मच मैंने घी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 10-15 किशमिश ले ली हैं, इनको हम रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को हम अलग ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि किशमिश हम बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, तो और बाकी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे उनके साथ में हमें नहीं करना है। ये देखिए किशमिश वो रोस्ट हो गई हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े बादाम लिए हैं, ये नारियल है जिसको मैंने काट लिए है चाकू से, तो इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हम धीमा करके रखेंगे, हाई फ्लेम में इनको रोस्ट नहीं करना है, वरना ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल जाएंगे। इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का सा ही रोस्ट करना है। तो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। एक चम्मच घी हम और डालेंगे, और इसके अंदर हम ये मैंने मखाने लिए हैं 1 कप, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। मखानों को भी हम यहाँ पे हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। आज हम आटे की पंजीरी बना रहे हैं, तो मखानों को आप आटे के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको पहले ही रोस्ट कर रही हूँ। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी पे प्रसाद के रूप में पंजीरी बना रहे हैं, तो इसके लिए आप देसी घी का ही यूज़ करें, ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर 2 चम्मच में घी और डालूंगी। अभी मैंने 1 कप आटा लिया है, इसको भी हम इसके अंदर भून लेंगे। आटे को हम लो मीडियम फ्लेम पे हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये पंजीरी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। सिर्फ जन्माष्टमी पे ही नहीं, आप कभी भी प्रसाद के लिए इस पंजीरी को बना सकते हैं। आटा है वो भून चुका है, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि पैन है वो गर्म है, तो हल्की हल्की हीट इसके अंदर थोड़ी देर तक आती रहेगी, इसीलिए हमें इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। कुछ देर के लिए हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि पैन है वो गर्म है, तो उसकी हीट से हमारा आटा है वो पक जाएगा। अब आटे को हम किसी दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आटा ठंडा हो गया है, अब इसके अंदर हम बूरा मिक्स करेंगे। ये बूरा लिया है मैंने 1/2 कप, और ये मार्केट में जो मोटा वाला बूरा आता है वो लिया है मैंने, वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे आटा ठंडा होने के बाद ही बूरे को ऐड करें, गर्म आटे में बूरा बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ पे रोस्ट किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम डाल देंगे। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इसमें आप खसखस के बीज भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी रोस्ट करके ही डालना होता है। ये मखाने भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। इलेजे सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, और ये पंजीरी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, महीने भर तक ये खराब नहीं होती है। कभी प्रसाद के रूप में काम में लेना हो आप ले सकते हैं। जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए पंजीरी तैयार हो गई है।